दिस इज राउफ अहमद योर एंड्रॉयड इंस्ट्रक्टर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राउफ अहमद योर एंड्रॉयड इंस्ट्रक्टर और वेलकम टू PFTP पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इस सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राउफ अहमद योर एंड्रॉयड इंस्ट्रक्टर और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के इस सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी देर बाद लाइव सेशन आया है, तो आज हम इस लाइव सेशन में एंड्रॉयड की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या होती है और जिन लोगों ने एडवांस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स में इनरोल किया है उनको थोड़ा सा गाइडलाइन मिलेगी, और जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया और जिनके जो भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम इस लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे पूछेंगे और मैं आप लोगों को वन बाय वन उनका आंसर करूंगा। जी, तो कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर लिया, तो अब हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनका आंसर करेंगे। सानिया के बीस, वालेकुम सलाम, और कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी देर बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उम्मीद है आप लोगों ने बेसिक का जो भी एंड्रॉयड कोर्स के अंदर सीखा था आप सब लोगों को उसकी समझ आ गई होगी, और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के इस सेशन के अंदर जो भी आपके बेसिक के क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर कर लेंगे और एडवांस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके सानिया, आपको रजिस्टर करने के लिए PFTP के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के जो कोर्स है उसके अंदर एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आप लोगों ने कुछ पेमेंट्स होंगी वो क्लियर करनी है, और आप लोगों को LMS का एक्सेस जो होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर तमाम जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड होंगे और आपके क्विज वगैरह जो भी LMS पोर्टल के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एनरोल करने के लिए आप लोगों ने सिंपली वेबसाइट को विजिट करना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है। बता दें ओके, तो एंड्रॉयड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तब तक कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या है और इसको क्यों करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बेसिकली आप सब लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स तो होते हैं, एंड्रॉयड का आप सब लोगों को पता है क्योंकि आप लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर जो आप लोग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उनको एंड्रॉयड ऐप्स कहते हैं, और उनकी डेवलपमेंट को कहते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। वो ऐप्स कैसे डेवलप की जाती हैं, किन किन लैंग्वेज के अंदर डेवलप की जाती हैं, वो कैसे डिज़ाइन होती हैं, उनके पीछे फंक्शनैलिटी कौन सी लगी होती है, और उनके पीछे डेटाबेस कैसे अटैच कर रहे हैं, सारा वो प्रोसीजर कैसे चल रहा है, इस सारे प्रोसेस को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कहते हैं। और ये क्यों करनी चाहिए, किस वजह से करनी चाहिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप, बहुत से लोग आप लोगों में से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते वक्त कुछ लोगों के दिलों में ये ख्याल आता है कि जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ये बहुत बड़े कम्प्लेक्स एप्लीकेशन हैं, इन एप्लीकेशन को किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, तो क्यों ना आप लोग भी एक ऐसे इंसान बन जाएँ कि आप भी खुद से अपनी बनाई हुई एक चैट एप्लीकेशन या कोई गेम या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों को बता सकें कि ये मैंने डेवलप की है। तो ये एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि इसलिए भी एंड्रॉयड ऐप है। कुछ लोग अर्निंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर ही बात है कि सब लोगों का बेसिक पर्पस जो है वो अर्निंग ही है। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर अगर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग इसका मैं आप लोगों को छोटा सा एक फिगर बताता हूँ कि इस वक्त एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो दुनिया में 2.5 बिलियन है। तो 2.5 बिलियन जो है वो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते हैं और आप कोई एक अच्छी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करते हैं तो 2.5 बिलियन यूज़र आपके पास मार्केट मौजूद है, 2.5 बिलियन पीपल आपकी एप्लीकेशन को
यूज़ करेंगे अगर वो एप्लीकेशन अच्छी हुई तो, ठीक है। और आपके पर डाउनलोड के ऊपर आपको उसके अंदर गूगल एड्स इंटीग्रेट करके आप उससे एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई है। अब मैं कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा देख लूँगी आप लोगों का क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। कुत्सिया रऊफ आपका क्वेश्चन है कि सर आई पेड फी फॉर फ्रीलांसिंग कोर्स, तो आप लोगों ने जो फी सबमिट कर दिया वो आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लें तो आपको वो एक्सेस वगैरह मिल जाएगा। और उसके बाद फरीहा खान है, अस्सलाम वालेकुम सर, PFT पोर्टल के लेक्चर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? वालेकुम सलाम। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को किसी डाउनलोडर का रिक्वायर्ड होगा तो आप लोग इजीली उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, डाउनलोड ऑप्शन के लिए आपको कोई डाउनलोडर रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद सैयद अरसलान अब्बास हैं, वो कहते हैं सर एडवांस कोर्स में मैंने रजिस्ट्रेशन भी की और फीस भी दे दी है बट अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। वेरिफिकेशन के लिए क्योंकि काफ़ी बच्चों की स्लिप्स आई होती हैं, उनको वेरीफाई करना कि किसी की कोई स्लिप फेक तो नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो मैनेजमेंट उसके ऊपर बैठी हुई है। आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि जाहरी बात है काफ़ी ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं तो उनको वेरीफाई करना और उसके बाद उसको एक्सेस देना ये जिम्मेदारी होती है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट कर लें, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे सारी। उसके बाद मोहम्मद इब्रारुल्ला, सर मैं ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ और आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, सर इस कोर्स में हम किस चीज़ की ऐप बनाएंगे काइंडली बता दें। इब्रारुल्ला आपको कोर्स आउटलाइन आपने देखी होगी, कोर्स आउटलाइन के अंदर मैंने 4 से 5 एप्लीकेशंस रखी हैं और एडवांस कोर्स के अंदर एक बेनिफिट आप लोगों को मैंने ये भी दिया कि जो मैंने आउटलाइन बनाई है वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की आउटलाइन बना रहा होगा, क्योंकि मैंने उसमें एक मेन पार्ट मशीन लर्निंग का रखा है जिसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग टूल्स को यूज़ करेंगे और बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे आप फेसबुक के ऊपर आपको मौसम की अपडेट भी मिल जाती है या आने वाली कुछ न्यूज़ की अपडेट्स मिल जाती हैं, आपकी एज के रिलेटेड कोई आपकी बर्थडे आ रही होती है उनको पता होता है कि आपकी बर्थडे आ रही है, या इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं जो मशीन लर्निंग टूल्स के थ्रू होते हैं, प्रिडिक्शन की जाती है। और कुछ स्कैनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे सबसे बड़ी आजकल जो स्कैनिंग एप्लीकेशन चल रही है डॉक्यूमेंट स्कैनर के लिए वो है कैम स्कैनर, तो हम उसका एक क्लोन भी तैयार करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने एक गेम इस के अंदर रखी है, टिक टैक टो गेम थी, उसके अलावा एक क्विज गेम है, उसके अलावा एक जूम जैसी एप्लीकेशन, जैसे आप लाइव वीडियो कॉल, रैंडम वीडियो कॉल एप्लीकेशन होती हैं कि आप किसी को भी कॉल मिलाते हैं तो उस एप्लीकेशन के जितने यूज़र्स होते हैं वो रैंडम यूज़र को कॉल मिल जाती है और आप उसके साथ चैट कर सकते हैं, तो वो हमने वेब RTC के थ्रू एक एप्लीकेशन बनानी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा और एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है कि आप पिक्चर एडिटर कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, के एडवांस कोर्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक की बात नहीं कर रहा, एडवांस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बेसिक के अंदर वो बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एंड्रॉयड के टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो बेसिक के कोर्स के अंदर। एडवांस के अंदर मैं आपको बता रहा था कि 4 एप्लीकेशन हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, कंप्लीट एप्लीकेशंस वो हम बिल्ड करेंगे, जिनमें एक गेम है, दूसरा उसके अलावा एक क्विज एप्लीकेशन है, उसके अलावा एक मैंने इसके अंदर ऐड किया था रैंडम वीडियो कॉल और एक और एप्लीकेशन है, और इसके बाद मशीन लर्निंग वाला पार्ट आ जाएगा, उसके अंदर भी हम एक PDF स्कैनर जो होता है, आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं वो उसको PDF में कन्वर्ट कर देता है, तो डॉक्यूमेंट स्कैनर की एक एप्लीकेशन जैसे कैम स्कैनर है उसका एक क्लोन तैयार करेंगे, उसी जैसी सेम एप्लीकेशन बनाएंगे और आपको डिफरेंट मशीन लर्निंग टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा कि मशीन लर्निंग को एंड्रॉयड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो होप सो इब्रारुल्ला आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद रिमी डोवाल, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। उसके बाद सैयद अरसलान अब्बास, उनका मैसेज आया है कि 1 वीक हो गया है जी, 1 वीक से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, आप लोग को 3 वीक के लेक्चर मिल गए होंगे।
होप सो। उसके बाद जाहिद कमेंट करते हैं कि सलाम सर, मैंने रजिस्ट्रेशन करना था, कोई लिंक बता दें। तो जाहिद, आप PFTP के अप्लाई पोर्टल के ऊपर जाके अपना कोर्स सेलेक्ट करें, जो भी आप लोगों ने कोर्स अंदर एनरोल करना है तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई के बाद आप लोगों को कुछ एक स्लिप मिलेगी, वो आप लोगों ने कोई पेमेंट करनी है, उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को आपके LMS की एक्सेस मिल जाएगी कि आप उस LMS के ऊपर लेक्चर्स को सुन सकते हैं। उसके बाद सलमान खान खिलजी, वो कमेंट कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मंचटेक में एनरोल होना चाहता, काइंडली गाइड मी, थैंक्स। वालेकुम सलाम। जिन बच्चों ने भी एनरोल होना है या रजिस्टर्ड होना है, वो PFTP के अप्लाई पोर्टल के ऊपर जाएं, apply.PFTP वो वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप लोगों ने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एक स्लिप वगैरह मिलेगी, वो स्लिप आप लोगों ने पे करनी है, और उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा कि आप लोगों ने पेमेंट कर दिया। जो भी आप लोगों की आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आप लोगों की वो बनेगी स्लिप, तो वो आप लोगों ने स्लिप सेंड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई ही आप लोगों की पेमेंट आ गई हुई है, उसके बाद फिर आप लोगों को आपके LMS का एक्सेस मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अदील जट सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें मुझे। ओके, तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जब तक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो एडवांस के कोर्स की बात कर रहे थे हम, एडवांस के कोर्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या सीखना है, और कुछ लोगों को मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उन लोगों की अगर समझ नहीं आ रही तब भी वो कमेंट करें और बताएं कि क्या आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के इश्यूज को रिजोल्व करूं। और कोशिश यही होती है कि वीडियो इस तरह की बने कि आप लोगों को कि कोई क्यूरी ना आए, लेकिन फिर भी अगर कई बच्चों की क्यूरीज आ जाती हैं, जिन लोगों को कोई इशू हो रहा होता है, तो हम उन लोगों की क्यूरीज को रिजोल्व करते हैं। और ये लाइव सेशन रखने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, और आप लोगों को जो जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं उन लोगों को सॉल्व करके आप लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। अधीर जाट, PFTP कोर्स ऑनलाइन है या प्रैक्टिकल? ऑनलाइन या प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकल तो है बेसिकली, क्योंकि आप लोग जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कोई थ्योरी तो पढ़ाई नहीं जा रही, आप लोगों को कोडिंग करवाई जा रही है, आप लोगों ने उस कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिकल कोर्स ही हुआ। ऑनलाइन या ऑन साइट की बात कर सकते हैं, आपके ऑन साइट कोर्सेज या इन हाउस ट्रेनिंग? तो PFTP के सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं। उसके बाद दिबरारुल्ला का दोबारा कमेंट आया, थैंक यू सर, वेलकम सर। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो बम्बल बी वेरियंट डाउनलोड किया है, जिसमें एमुलेटर पर मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो रहा। ये इशू मुझे भी सॉल्व करना पड़ा है, क्योंकि अपडेट के बाद जो होता है आपका एमुलेटर जो होता है वो इश्यूज करता है नई अपडेट के साथ। तो आप इसका सिंपल एक ये करें कि या तो एमुलेटर को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लें, या फिर वो जो भी एरर आ रहा होगा, एमुलेटर टर्मिनेट हो रहा है या एमुलेटर किल हो रहा है बार बार, उस एरर को आपने सिंपली गूगल के ऊपर पेस्ट करें, तो आप लोगों को स्टैक ओवरफ्लो में उसका एक कोई ना कोई इशू का वो मिल जाएगा। मैंने भी इसी तरह से सॉल्व किया है, क्योंकि वो मेरा भी, हर एक का जो होता है ना वो उसकी डिपेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो आप जो भी आपके एमुलेटर के साथ एरर आ रहा होगा उसको आप लोगों ने सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है और उसके ऊपर सर्च कर लेना कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी सॉल्व ना हुआ तो आप लोग मैनेजमेंट को बताएं कि हमें ये इशू आ रहा है, वो मुझ तक पहुँचा देंगे, तो मैं आप लोगों को उसके वाले से गाइड कर दूंगा। सैयद अरसलान अब्बास सर, एंड्रॉयड ऐप में कोडिंग तो नहीं होती आपको ऐप को बनाने में? कोडिंग होती है, बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है। सैयद अरसलान अब्बास का कमेंट है कि सर, एंड्रॉयड ऐप में कोडिंग तो नहीं होती ऐप को बनाने में? कोडिंग होती है, जाहिर बात है कि आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आपको कोडिंग
करनी पड़ती है, लेकिन कोडिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप उसको कर ना पाएं, बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग इसको कोई भी एक लेमैन पर्सन जिसको कोडिंग का आइडिया नहीं है सिर्फ, लेकिन वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसमें अगर पैशन है तो वो इजीली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना स्कोप बना सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग नहीं भी आती तो आप लोग इसको स्टार्ट करें। अगर आप लोग सोचते रहेंगे ना कि नहीं इसके लिए तो ये भी आना चाहिए, इसके लिए ये भी आना चाहिए, कोडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉजिक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक लेम एक्सक्यूजेज हैं। आप लोग इसमें सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अगर करना है तो इसको करें। ठीक है, अपना माइंड बना लिया है तो फिर इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें, रिसर्च करें, लेक्चर्स लें, तो साथ साथ आप लोगों को कोडिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले कोई भी कोडिंग नहीं सीखता, पहले सारे आप लोगों को बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कोडिंग बहुत आसान है इसकी, इतनी मुश्किल कोडिंग नहीं है, तो आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए बस इसको। उसके बाद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे कोडर भी बन जाएंगे, डिज़ाइनर भी बन जाएंगे, फुल स्टैक एंड्रॉयड डेवलपर बन जाएंगे। फुल स्टैक का मतलब ये है कि आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइन भी खुद करेंगे, उसका बैकएंड का कोड भी खुद लिखेंगे, हर लिहाज से उसको आप लोग मैनेज कर सकेंगे। आप लोगों को किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फुल स्टैक डेवलपर खुद ब खुद बन जाएंगे। बस आप लोगों ने इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना है, रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है, तो आप देखेंगे कि चंद मंथ में आप फुल स्टैक बन जाएंगे। अनवर अली राजर का कमेंट आया कि फ्री में कैसे वीडियोस देख सकते हैं किसी भी। फ्री में वीडियो देखने के लिए आप लोगों की रिसर्च पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आप लोगों को चीज़ों को सर्च करना आना चाहिए। गूगल, यूट्यूब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आप लोगों को दुनिया के हर एक टॉपिक के ऊपर डाटा मिल जाएगा, बस आप लोगों को सर्च करना आना चाहिए, तो आप लोग फ्री में भी देख सकते हैं, बस आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए। और फ्री में देखना है तो फ्री में देखने के लिए आप लोगों की सेल्फ लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप लोगों को सेल्फ लर्निंग आनी चाहिए कि आप लोग कोई भी वीडियो देखें, मतलब आप एक उस्ताद के बगैर, आप एक पाथ के बगैर, आपका अपनी डेस्टिनेशन इस तरह से सेट हो कि आप लोगों को चीज़ों का पता हो थोड़ी बहुत चीज़ों का, वो सेल्फ लर्निंग करके बहुत आगे जा सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को डाटा सर्च करना आना चाहिए, बस सर्च करें, फ्री में भी सीख सकते हैं, फ्री में भी देख सकते हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सर एडवांस कोर्स कितने वीक्स का होगा? आई थिंक के 12 वीक्स का होगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि वीडियोस हम कितने देर में, जो मेन मकसद हमारा जो कोर्स की आउटलाइन है उसको कंप्लीट करना है, जो मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है उसको कंप्लीट करना है, तो वो मैं रिकॉर्डिंग्स अभी जारी हैं आप लोगों के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि कितने लेक्चर्स में आप लोगों को वो सारा डिलीवर होता है। हमें ज़्यादा लेक्चर्स भी देने पड़े तो हम देंगे, ज़रूर देंगे। सर एक लेक्चर फ्रीलांसिंग पर भी दे दीजिएगा कि एंड्रॉयड में किस किस वे से अर्निंग कर सकते हैं। सैयद जुहेब हसन बुखारी का कमेंट है कि एक लेक्चर फ्रीलांसिंग पर भी दें कि हम एंड्रॉयड के थ्रू फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। तो सैयद जुहेब, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हो तो मैं आप लोगों को सिखा ही बेसिकली ये रहा हूँ कि आप लोगों ने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट तो करनी करनी है, साथ अर्निंग कैसे करनी है। तो अर्निंग का मैं आप लोगों को साथ साथ टिप्स दे रहा हूँ कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आप डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन आपने पैसे कैसे कमाने हैं उससे। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐप बना ली है, ठीक है, उसके अंदर गूगल एड्स इंटीग्रेट कैसे करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो भी हम लोग बना रहे हैं उसके थ्रू अर्निंग कैसे करनी है, ये मेन पार्ट हमारा यही है कि आप लोगों को ये कोर्स करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएं कि आप लोग अर्निंग कर सकें, आप घर बैठे अपने रोज़गार आप लोगों को मिल जाए, आप लोग बहुत अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर बताऊँ ना कि इसमें कितनी अर्निंग है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से उन्होंने तकरीबन अपनी एक दो ऐप्स बनाई हैं, उनको प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश किया है और अब वो घर बैठ के कमा रहे हैं। ठीक है, आइडिया आपका थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर लाइव नहीं भी है, आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ फ्रीलांसिंग टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी, फाइबर के ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ महीने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइबर के ऊपर क्लाइंट मिलना कुछ मंथ्स की बात होती है, या फिर आप लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी गिग को प्रमोट करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं जिससे जल्दी आपको मिल जाती है ऑर्डर वगैरह,
तो आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मेहनत सबसे पहले, आपका पैशन और आपकी मेहनत, ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस फील्ड में कितना आगे जाना चाहते हो, आप लोगों को काम कितना आता है, किस हद तक इसको सीख रहे हो, किस हद तक इस पे रिसर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। और जहाँ तक बात रही कि अर्निंग कैसे करनी है, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, 3 साल के अंदर जितना भी नॉलेज मैंने एंड्रॉयड के ऊपर सर्च किया है, जितना नॉलेज मुझे डिफरेंट चीज़ों से मिला है, वो मैं आप लोगों के साथ इस थ्रू आउट द कोर्स शेयर करता रहूँगा, कि कुछ आप लोगों को टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह से जो गलतियां मैंने की वो आप लोग ना करें, या जिन चीज़ों से मैंने सीखा वो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊंगा कि आप लोग उन चीज़ों के अंदर स्टक ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रहा हूँ और बिल्कुल साथ साथ बता रहा हूँ कि अर्निंग कैसे करनी है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो और किसी का अगर कोई कमेंट है तो वो पूछ ले। अच्छा, पैशन डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, मेरे ट्रेनर का एक कमेंट आया है, वो पूछ रहे हैं सर पैशन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सर पैशन सिलेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई वजह की ज़रूरत होगी, कि आप लोगों के पास कोई एक ऐसी वजह हो कि जो आप लोगों को मोटिवेट करे, और आप लोगों के पास, आपके पास सिर्फ एक वजह होनी चाहिए। एक चीज़ को ना करने की हज़ारों वजह होती हैं। एक जो बंदा होता है ना जिसने काम नहीं करना था, वो 100 बहाने लगाएगा कि सर मेरे पास ये वजह थी, मेरे पास ये नहीं था तो मैंने नहीं किया, ये नहीं था तो मैंने नहीं किया। लेकिन एक पर्सन जिसने करना होता है ना, उसके पास सिर्फ एक वजह होती है कि उसने करना है, वो उस कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, उस वजह को वो अगर जान ले तो उसके अंदर पैशन भी खुद ही आ जाएगा और वो सारी चीज़ें खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देगा। तो सिर्फ अपने अंदर उस एक वजह को तलाश कर लें तो पैशन खुद ब खुद मिल जाएगा। हसन शेख, थैंक यू सर। एक ऐप बनाने पर आपकी इन्वेस्टमेंट 0 इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक अच्छा लैपटॉप, ठीक है, जिसके अंदर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को रन कर सकें, और इंटरनेट कनेक्शन, सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके वक्त की, आपका टाइम, आपका टाइम आपके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपका पैशन आपके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप 1 मंथ के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। युसरा इमरान का कमेंट आया कि ये कोई भी कर सकता है, टेक्निकल तो नहीं है। जी बिल्कुल, हर बंदा इस कोर्स को अटेम्प्ट कर सकता है, जिसको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का शौक है, या जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना चाहता है, उसको कोडिंग की नॉलेज नहीं भी है, तो वो बेसिक से स्टार्ट करे। डायरेक्ट एडवांस कोर्स में इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो बेसिक कोर्स करे, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, उसको बेसिक चीज़ों की समझ आएगी, उसके बाद वो एडवांस की तरफ मूव करे तो वो भी सीख जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और जी, तो और किसी का कोई कमेंट हो या किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें, ताकि मैं उसका आंसर करूं। और इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं और क्यों करना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ों में मेन चीज़ें यही हैं कि सबसे पहले तो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा, वो आउटलाइन बहुत अच्छी है। आप लोगों को ऐसे फीचर सीखने को मिलेंगे कि जो आप लोग रिसर्च करके भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनको सर्च करोगे, तब भी आप लोगों को सीखना मुश्किल होंगे। लेकिन वो हमने कोर्स आउटलाइन जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया कि आप लोग, मैंने बहुत सी जगह पे ये चीज़ें देखी थी कि कुछ लोगों ने आउटलाइन बनाई होती थी, आउटलाइन बहुत अच्छी होती है कि ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे, एट द एंड कुछ लोग कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद भी वो वैसे ही होते हैं,
उन लोगों को सीखने को नहीं मिलता कुछ, और उनका एट द एंड यही इशू होता है कि वो किस तरह से करें इस चीज़ों में आगे जाएं, क्योंकि बहुत सी जगह से उनको सीखने को मिलता ही नहीं है। तो इस कोर्स के अंदर मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया था कि हम लोग कंपोनेंट्स नहीं बनाएंगे डिफरेंट, जैसे होता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट सिखा देते हैं बस, उनको मर्ज करना नहीं सिखाते कि कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे बनानी है ये नहीं बताते। तो मैंने बेसिकली रखी कंप्लीट कंप्लीट एप्लीकेशन है, पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स रखे हैं, ताकि आप लोग जब एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे कि उन कंपोनेंट्स को बनाते कैसे हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंपोनेंट्स पूरी सारे ही आ जाएंगे। तो मेन इस कोर्स के अंदर ये चीज़ थी कि आप लोगों की आउटलाइन बहुत अच्छी थी, और दूसरा ये कि मशीन लर्निंग मैंने अभी तक जितने भी एंड्रॉयड के कोर्सेज देखे हैं उनके अंदर मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट था वो मैंने कहीं भी नहीं था देखा। तो जो मैंने मशीन लर्निंग की चीज़ें सीखी हुई थी उन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो इस वजह से मैंने ये आउटलाइन डिज़ाइन की। उसके बाद जी कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं, नुमान मुनीर का कमेंट आया, सर अमेज़ोन क्या है? ठीक है अमेज़ोन, नुमान मुनीर ये सेशन जो है वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड है, तो अमेज़ोन एक अलग चीज़ है, उसके रिलेटेड हम बात नहीं करना चाहिए इस सेशन में। तो आप लोग जब अमेज़ोन का सेशन आएगा उसमें आप कमेंट करके काइंडली पूछ लीजिएगा। ठीक है फौजिया इकबाल, उनका कमेंट आया है कि आई अप्लाइड फॉर वेब डेवलपमेंट फी आल्सो पेड बट स्टिल नो रिस्पॉन्स। आपने फ़ी सबमिट कर दी होगी तो आप लोगों की जो स्लिप है उसको वेरीफाई करने में कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि वेरिफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्लिप्स आई होती हैं, उनको वेरीफाई करना कि कौन सी स्लिप बिल्कुल जेन्युइन है या बिल्कुल एक्यूरेट है, या जिनकी पेमेंट आ चुकी है, तो वेरिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, वो आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे, और जब आप वेरीफाई हो जाएंगे तो वेरीफाई होने के बाद आपको LMS का एक्सेस मिल जाएगा। जी तो और किसी का कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जल्दी से अपने क्वेश्चंस मुझे बताएं ताकि मैं उसका आंसर करूं। अगर किसी को कोई मेरा इस वक्त कोई स्टूडेंट देख रहा हो या जिसको कोई भी इशू आ रहा हो तो वो काइंडली कमेंट करे ताकि मैं उसको आंसर दूँ, और वो कोई भी क्यूरी आप लोगों के एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, किसी को अगर कोई वैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बारे में कुछ जानना चाह रहा है तो वो पूछे ताकि उसके बारे में हम डिस्कस करें। डेटाबेस एडवांस लेवल पर करेंगे? जी बिल्कुल डेटाबेस करेंगे और एडवांस लेवल पर करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर जो डेटाबेस हम इंटीग्रेट करेंगे वो एक तो फायरबेस के कुछ फीचर्स होंगे, फायरबेस की सारी डेटाबेस को हम, जो बेसिक कोर्स था उसमें मैं फायरबेस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखा था कि फायरबेस को अटैच कैसे करते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, तो बाकी चीज़ों के अंदर भी हम डेटाबेस को बेहतर तरीके से देखेंगे। और इस जो भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसके अंदर अगर हम डेटाबेस, कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर ऐसी हैं जिनके अंदर डेटाबेस यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली हम डेटाबेस के साथ भी डील करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सलमान खान का कमेंट आया है, आई एम स्टडिंग इन PFTP प्लेटफॉर्म, इन माई ओपिनियन इट्स अ गुड चॉइस फॉर न्यू कस्टमर्स, एवरी वन शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सलमान।
जी, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्वेश्चंस करें और कमेंट कर दें ताकि मैं उसका आंसर दे दूं। और इसके अलावा अभी एक कमेंट आया था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट किन लोगों को करनी चाहिए, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया हुआ है कि आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट या कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज है ना, बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करें उसके। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, जब आप लोग एनरोल हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ, ताकि आप लोग चीज़ों को पिकअप कर सकें और आप लोगों को समझ आ सके उनकी। तो आप लोग उसके अंदर एनरोल करें, जिन्होंने प्लान जिनको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का शौक है या जिन्होंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करनी है, तो वो इस कोर्स के अंदर एनरोल करें और सीखना स्टार्ट करें। बस स्टार्ट करें, वेट ना करें, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग वेट करते रहोगे, ये सोचते रहोगे ना कि कब करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, या ये मेरे लिए है या नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी, ये बहुत मुश्किल होगा, तो आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है? आसान उसी के लिए है जो सीखना चाहता है, जो नहीं सीखना चाहता उसके लिए मुश्किल है। जिसने मेहनत करनी है उसके लिए आसान है, जिसने मेहनत नहीं करनी उसके लिए मुश्किल है। तो आप लोग वेट ना करें, आप लोग किसी भी कोर्स के अंदर अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, आपका कोई भी फील्ड है, तो आपने वेट नहीं करना, सिर्फ उसको करना स्टार्ट करना है। जितना टाइम आप वेट के अंदर लगाते हैं, फर्ज करो आपने एक मंथ ऐसे ही सोचते गुजार दिया कि हम लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है? तो आप लोग उस एक मंथ के अंदर उसको सीख भी सकते थे, जो आपने सिर्फ ये सोचने में गुजार दिया कि हम लोग इसको करें या ना करें। तो इस जो भी आप लोगों का फील्ड है उसको तकरीबन वेस्ट ना करें, उसको करना स्टार्ट करें। जब आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आप लोग साथ साथ उसको सीखते जाएंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें आती जाएंगी, मुश्किल चीज़ें भी आसान होती जाएंगी जब आप लोग उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो एट द एंड यही है कि आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी फील्ड के अंदर हैं, आप लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग अपनी फील्ड्स के अंदर वर्क करना स्टार्ट करें और सीखना स्टार्ट करें। विद इन मंथ्स आप लोग देखेंगे कि आप लोग का जो पहले लेवल था और कोर्स को करने के बाद जो आप लोगों का लेवल है, उसमें कोई ना कोई फ़र्क आप लोगों को ज़रूर नज़र आएगा, और आप लोग अर्निंग भी करना स्टार्ट करेंगे, एक इज़्ज़तदार रोज़गार कमाएंगे, और इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते रहेंगे। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट या किसी और चीज़ के रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, एडवांस एंड्रॉयड के रिलेटेड या बेसिक एंड्रॉयड के रिलेटेड या किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को आंसर दूँ और हम इस सेशन को फिर एंड करें। ताकि होप सो मैंने काफ़ी बच्चों के कमेंट्स का आंसर दे दिया हुआ है। अब अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसको एंड करते हैं। ओके, होप सो अब तक सब लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, मैंने सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया है। तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट जो सेशन है या नेक्स्ट जो भी पर्सन है उन्होंने लाइव सेशन करना है तो उनका सेशन स्टार्ट हो। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सब लोगों को जो भी आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है या जो भी कोर्स आप लोग ज्वाइन करने हैं वाले हैं, उसके लिए आप लोग सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम और इस मुल्क का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।